हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की शुरुआत करने वाले हैं आईबीपीएस बैंक क्लर्क भर्ती 2021 के बारे में। जी दोस्तों, 5920 पदों पर जो है आईबीपीएस बैंक क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है। इसका जो है ऑनलाइन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। हम इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से जो फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुकी है। जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज, यूके बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सभी बैंकों में जो वैकेंसी निकली हुई है क्लर्क के पदों पर। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, किसी भी राज्य से आते हैं, मेल फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट वाइज भी यहाँ पे वैकेंसी को दर्शाया गया है, बताया गया है कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है। सभी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आईबीपीएस बैंक क्लर्क का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे dshelpingforever.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको जो शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाती है। देखिए, जैसे कि नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 5920 पद है, क्लर्क का पद यहाँ पे रखा गया है। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट है 12 जुलाई से स्टार्ट है और एंड होगा 1 अगस्त 2021। इसका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे ऑनलाइन करने का, और इसका एग्जाम के भी डेट यहाँ पे आ चुके, एग्जाम डेट भी आप ये देख लेंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन भी बोला गया है ₹850 जनरल ओबीसी के लिए, ₹175 बोला गया एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन मोड में आपको फी जमा करना है। 20 से लेकर 28 वर्ष की यहाँ पे जो है एज बोली गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, लाइव फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, आपको जो है स्टेट वाइज जो है कितना सीटें रखी गई है, अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। आपको नीचे आना है, यहाँ पे बोला गया एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आप जो है डिग्री मतलब ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। और बोला गया कि आपके पास जो है वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर का भी ज्ञान आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जो है एग्जाम के बारे में बताया गया। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको फॉर्म फिल करने का लिंक आ जाएगा। देखिए इस तरह से लिंक आ जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पे आपको देखिए फुल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा 48 पेज का। आप जो क्या करेंगे, डिटेल जानकारी के लिए आप यहाँ से जो फुल पेज का नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिले इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। चलिए बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, येलो वाले पे। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आएगा। पहला स्टेप बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फोटो सिग्नेचर, तीसरा डिटेल्स में भरना है, उसके बाद प्रीव्यू, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट में पेमेंट करना है। अब यहाँ पे आपको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले बोला गया फर्स्ट नेम, तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे अपना जो है नाम लिखेंगे, दोबारा से यहाँ कंफर्म करेंगे, मतलब एक चीज को जो है दो बार यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से जो है फॉर्म को फिल करेंगे, आपका लास्ट नेम क्या है, आपका मिडिल नेम क्या है, आप फिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए फुल नेम लिख देगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर से दोबारा से कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी लिखना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो लास्ट का @ के बाद होता है जैसे जीमेल है, याहू है, क्या है, हॉटमेल है, आप यहाँ चूज कर लेंगे, और फिर से दोबारा से जो है अपना पूरा फुल ईमेल लिखेंगे @ के साथ। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी को लिखेंगे। ये कैप्चा जो दिखेगा आपके सामने कुछ अलग होगा, उसको क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो फिल करेंगे सिक्योरिटी कोड में। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा और आपका पासवर्ड भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे, वैसे आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे एसएमएस जरूर चला गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको पहले में ही फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। फोटो सिग्नेचर की जो गाइडलाइंस बताई गई, यहाँ पे आप देखिए क्लिक करेंगे गाइडलाइंस, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि फोटो सिग्नेचर जो है क्या होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ बोला गया कि हाल ही का खींचा होना चाहिए, और बोला गया है कि इसका साइज जो है यहाँ पे देखिए 20 से लेकर 50 के बी के बीच होना चाहिए, और 200x230 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे चूज पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद से फ्रेंड्स आप जहां भी फोटो रखे अपना फोटो को चूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरा फोटो, मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा। और आपका साइज हमेशा याद रहे 20 से 50 KB के बीच आपका साइज रहेगा, तो आसानी से अपलोड हो जाएगा। और फोटो का जो नेम होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी आप यहाँ का अपलोड होता है। और यहाँ पे सिग्नेचर को भी मैं चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे सिग्नेचर भी ये अपलोड हो जाएगा, देखिए अपलोड हो गया है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ये आगे आप प्रोसेस हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए आपको जो है एक एक स्टेप को मैं बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले पूछ रहा है आपको कैटेगरी चूज करना, जनरल से जनरल चूज करेंगे, ये बोला कि उस समय आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब आप बाद में चेंज नहीं करेंगे, इसी को आपको वार्निंग दे रहा है, आप ओके कर देंगे। ईडब्ल्यूएस चूज करेंगे तो इस तरह से वार्निंग आएगा, वार्निंग को ओके करना है। ओबीसी चूज करेंगे, जो भी आपका कैटेगरी है आप अपना कैटेगरी क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ चूज करेंगे। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है 40% या उससे अबव तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर इसको एस करते हैं डिसेबल्ड वाले के लिए तो यहाँ पे पूछेगा कि आप किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, यहाँ पे उसकी जानकारी बतानी होगी आपको। अब आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आएंगे तो देखिए ये सब चीज आपका डिसेबल्ड है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आपके जो है फैमिली मेंबर या चाइल्ड जो है दंगे जो हुए थे 1984 में उस पे डायड है, अगर है तो यस करना था नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है रिलीजन बतानी है कि आप किस जाति से आते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन क्या है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जो है रिलीजियन इम्यूनिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर है तो यस करना था नो करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो यस करना था नो करेंगे। उसके बाद पूछता रहा है कि क्या आप जो है एक्स सर्विस मैन डिसेबल पर्सन है, यस नो बता देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन, अगर है तो यस करें था नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, पूछ रहा है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, विडो के अंदर आप एज रिलैक्सेशन सीकिंग करते हैं तो यस करेंगे था नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि हैव यू अपीयर्ड ऑफ द CWE या CRP, मतलब इसमें आपने कभी अपीयर किया इस एग्जाम में, किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यस करेंगे तो ये सारे ऑप्शन खुल रहा है, ठीक है ना। अगर किए हैं तो यहाँ पे यस करके उसका अटेम्प्ट बता देंगे, कितना अटेम्प्ट आपने किया हुआ था उसमें एग्जाम में। अब यहाँ पे आपको जो है नेशनल सिटीजन बतानी है तो इंडियन रहेगा। उसको स्टेट आपको बताना है कि आर यू अप्लाइंग फॉर, मतलब जो है आप किस स्टेट किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपना जो स्टेट चूज कर लेना है, जहां भी आप आवेदन करना चाहते हैं अपना चूज करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप बिहार के हैं और आप जो उत्तर प्रदेश आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश का लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, वहां का लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी से अगर आपको पता है तो हिंदी आप आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर महाराष्ट्र से आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो महाराष्ट्र का जो लोकल लैंग्वेज है क्या है, मराठी है, तो आपको जो है उस एरिया का उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप जो है अगला दूसरा स्टेट चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम, आप जो सेंटर कहाँ देना चाहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, तो आपको अपना जो सेंटर चूज करना है। सपोज अगर हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश चूज करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। सपोज मैंने उत्तराखंड चूज किया तो देखिए हमें प्रिलिमिनरी एग्जाम यहाँ पे उत्तराखंड ही आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको जो है अदर स्टेट में ही जाना होगा। इसलिए आप मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप अपने ही राज्य से अप्लाई करेंगे तो आपके अपने ही राज्य में यहाँ पे एग्जाम सेंटर दिए जाएंगे। तो आपको अपना एग्जाम सेंटर जो यहाँ पे मेंस का और जो पहला प्रिलिम एग्जाम होता है उसका दोनों का यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आएगा, चूज कर लेंगे। अब यहाँ फ्रेंड्स पूछ रहा है कि आप जब जो एग्जाम देंगे उस समय जो है आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना है, यहाँ आपको टिक करना है और एग्जैक्ट वही आईडी जो है हम लेकर जाएंगे जो आपके जो है यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं उसे मैच करता हो। अब आईडी प्रूफ यहाँ पे क्या करेंगे, आपको चूज करना है, काफी सारे आईडी प्रूफ का यहाँ पे ऑप्शन है, आपके पास जो है वो चूज करेंगे और उसका जो आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए आधार कार्ड चूज किए तो आधार नंबर लिखेंगे, पैन कार्ड चूज करेंगे तो पैन कार्ड नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका विलेज है, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पे थाना है, तो इस तरह से आप मैनुअली फिल करेंगे। गाँव के लोग इस तरह से फिल कर देते हैं, अगर आप सिटी में है तो अपना फ्लैट नंबर, एरिया नंबर, गली नंबर, लैंडमार्क, काफी बड़ा एड्रेस होता है, सब चीज यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना राज्य का नाम चूज करेंगे, किस राज्य से आते हैं, एरिया का पिन कोड क्या है, यहाँ पे क्या करनी है आपको बता देनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो है सेव एज एवर, मतलब जो आपका ऊपर वाला एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम सेम है तो इसको टिक करेंगे, नहीं तो आप इसे मैनुअली भी फिल करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है GST एड्रेस चूज कर लेना है, कोई भी आप एड्रेस चूज कर लेंगे। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेट होगा, अगर एरर आएगा तो देखिए यहाँ पे एरर आएगा, मतलब कि अगर आपको फॉर्म फिल करने में कहीं ना कहीं एरर है, देखिए यहाँ पे कई सारे फॉर्म मैंने यहाँ पे चूज ही नहीं किया हुआ तो ये एरर आएगा। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है अगला स्टेप खुल जाएगा एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने का। तो अगर आपने जो है 1 अगस्त 2021 तक जो है आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आपने जो है किस प्रकार का ग्रेजुएशन किया हुआ है, देखिए बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बी बीटेक क्या किए हैं, अदर है तो अदर भी चूज करने का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो आप अपना यहाँ पे जो है कोर्स का नाम चूज करेंगे, डिग्री और सब्जेक्ट बताएंगे, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, क्या है। उसके बाद पासिंग ईयर बताना है आपको कि आप जो है कब पास आउट किए हैं, कितना परसेंटेज आपका है, ग्रेड फर्स्ट है कि सेकेंड है, यहाँ पे आपको जो है बता देनी है।
पोस्ट क्वेश्चन अगर आपने किया हुआ है तो पोस्ट क्वेश्चन की जानकारी यहाँ पे चूज करके भर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। पूछ रहा है कि डू यू ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, आपको यहाँ पे यस करना होगा और यहाँ पे बताना होगा कि आप किस प्रकार का जो है सर्टिफिकेट रखे हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा है, डिग्री है या क्या है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे, डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट ही केवल रखे हैं, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्टिफिकेट या लैंग्वेज का, तो आप अपने हिसाब से क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोला गया ऐड करने का, अगर करते हैं ऐड तो कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ये केवल जो एससी एसटी और जो मिलिट्री से आते हैं एक्स सर्विस में उनके लिए है। तो अगर आप इस तरह के कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आपको सेंटर चूज करना है कि आपको कहाँ चाहिए एग्जाम ट्रेनिंग के लिए, तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आप जो है फाइन, कन्विक्टेड या कोई इसी तरह का आपको जो है कोर्ट के द्वारा ऑफेंस किया गया है, तो आप यहाँ पे यस नो में बताएंगे, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिख देना है कि आप जो किस प्रकार के लैंग्वेज जानते हैं उसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो है जो भी आप लैंग्वेज आपको पता है उसको आप जानकारी यहाँ पे लिखेंगे, उसको जो है टिक करेंगे और फिर आप जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब आपको जो यहाँ पे प्रेफरेंस बतानी है कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो आप जो है पहला प्रेफरेंस कहाँ देंगे, ज्वाइनिंग के लिए कौन से बैंक में देंगे। तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से टिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो है उसका ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप चाहे तो किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, इस तरह से आप क्या करेंगे प्रेफरेंस को जो है दे देंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वैलिडेट करना है, फिर से ये सेव हो जाएगा, आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद से फ्रेंड्स आप सेवन नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू खुल जाएगा, मतलब ये कि आप एक बार अच्छे से मिला लीजिए कि जो भी आपने जानकारी फिल किया है सब चीज सही है कि नहीं है, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होगा तो आप इसे सुधार लेंगे। और उसके बाद से सुधारने के बाद से आप इसे जो है नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है फोटो के पास आई एग्री करना है, फिर नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे जो है आई एग्री करना है और इसके बाद से आई कन्फर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद से यहाँ पे भी आपको टिक करना है, उसके बाद से आपको यहाँ पे जो है कंप्लीट पे क्लिक करना है, आपको ओके करना है, अगेन आपको ओके करना है, उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको जो है लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको क्या देना है, देखिए मैंने यहाँ पे जो dsalvingforever.com की जो मैंने लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो है फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इतना आपको मैटर जो है क्या करना है, एक सादे कागज पे लिखना है और उसको स्कैन करके अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे आपको चूज करना है और चूज करेंगे तो आपका जहां भी फाइल रहेगा उसको क्या करेंगे अपलोड कर देंगे। मैंने देखिए यहाँ पे अपलोड किया तो यहाँ पे जो है इस तरह से आएगा, आपको क्या करना है ओके कर देना है। उसी तरह से आपको जो है हैंड रिटन को क्या करना है, डिक्लेयर करना है, चूज करेंगे और देखिये ये जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू करके। देखिए इस तरह से आपको लिखना है एक सादे पेपर पे और उसको जो है अपने हैंड राइटिंग में लिखेगा, ओपन करेंगे और यहाँ पे शो होगा और उसके बाद आपको क्या करना है ओके करना है। और उसके बाद ये जो कैप्चा दिखेगा फिर से आपको कैप्चा को क्या करना है फ्रेंड्स, फिल करना है और फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब आपको ओके करना है, रजिस्ट्रार पूछ रहा है ओके करेंगे। अब आपके आपको जो है पैसा दिखा देगा कितना आपको जमा करना है फी पेमेंट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे इस फिर से कैप्चा को भरेंगे और फिर से यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब आपको अगेन पूछ रहा है डू यू वांट टू सबमिट, आपको ओके करना है, जिसे ओके करेंगे अब आपका जो है फाइनल सबमिट हो चुका है, अब कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। आपको जो है अपना एप्लीकेशन फी जमा करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन फी लगेगा वो यहाँ पे जमा करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे जो है प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित प्रिंट अपने पास रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको फॉर्म को फिल करना है, सारी जानकारी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके क्लिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और इसी तरह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।